नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वृश्चिक राशि वालों, अब तो खुश हो जाइए, भगवान महादेव ने खोला आपके लिए दूसरा रास्ता। जी हाँ, अब बैठे बैठे राजा बन जाओगे। दोस्तों, अगले 24 घंटे में बहुत बड़ा खजाना हाथ लगने वाला है, सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन यह राज की बातें किसी को भी मत बताना, नहीं तो आपका दुश्मन आपको बर्बाद करके रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है और इसे ग्रह गोचर एवं चंद्र राशि पर आधारित है। अगले 24 घंटे में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, साथ ही आपके लव लाइफ में स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थितियां कैसे व्यतीत होंगी, सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे वीडियो में। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले बाबा महाकाल के सभी भक्त जो महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें, भगवान महादेव जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों, भगवान कहते हैं, जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे न हो तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि गीता में साफ शब्दों में लिखा गया है कि कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं, तेरा भी वक्त आएगा, सिर्फ भगवान पर भरोसा रखिए। क्योंकि भगवान पर जो व्यक्ति भरोसा रखता है उनकी झोली कभी भी खाली नहीं होती है। दोस्तों, भगवान पर अगर आपको भरोसा है, विश्वास है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में एक बार उनका नाम जरूर लिख दें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं। दोस्तों, इस समय किसी व्यक्तिगत समस्या का समाधान निकलने से राहत महसूस होगी और आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर अधिक से अधिक ध्यान दे पाएंगे। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। दिनचर्या में कुछ नयापन भी महसूस होगा और आपको इस समय सभी कामों में सफलता मिलेगी। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी के लिए बात करें तो यह समय कोई भी निर्णय लेते समय ज़्यादा सोच विचार ना करें, वरना उचित समय हाथ से भी निकल सकता है। किसी को भी पैसा इस समय उधार देते समय उसकी वापसी का सुनिश्चित अवश्य कर लें या टाल दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप किसी की बहकावे में आकर अपना नुकसान कर सकती हैं। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय देखिए दिन मिले जुले प्रभाव वाला होगा और आज बनते हुए कार्यों में कुछ व्यवधान आने पर आप परेशान रहेंगे, लेकिन जल्द ही हल भी आपको निकल आएगा। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी अवश्य लें, इससे आपके काफ़ी हद तक आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। वहीं दोस्तों, बच्चों का कोई गलत आचरण आपको परेशान कर सकता है, घर के वरिष्ठ सदस्यों से सलाह मशवरा करने से आपसी समस्या का समाधान मिल सकता है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए आपका विशेष योगदान बेहद जरूरी है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय अगर कोई सरकारी मसला चल रहा था तो आज उससे संबंधित कोई कार्यवाही स्थगित रखें। किसी नज़दीकी रिश्तेदार के संबंध अप्रिय समाचार मिलने से मन व्यतीत रहेगा। अपने काम में अधिक से अधिक ध्यान लगाएं, ये आपके लिए उचित रहेगा। साथ ही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय पारिवारिक दायरा का निर्वहन बखूबी तरीके से हो जाएगा। आपकी योग्यता की सराहना भी लोग करेंगे और कोई व्यक्तिगत अथवा प्रॉपर्टी से संबंधित रुका हुआ मसला आपसी देखिए सलाहमति से भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हद तक राहत महसूस होगी। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय अपनी पिछली गलतियों पर मनन करें और उसमें सुधार करने की कोशिश करें, इससे आपको सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। वहीं दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए जो समय होंगे, विद्यार्थियों के लिए अपनी शिक्षा के लिए पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित रखना बेहद ज़रूरी है। यह समय घर में किलकारी संबंधित शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है
कुछ समय माता पिता के साथ समय व्यतीत करना आपको कई समस्याओं से राहत देगी। वहीं दोस्तों, माता पिता और वरिष्ठ व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का मतभेद या अवहेलना बिल्कुल ना करें, बल्कि उनका मान सम्मान अवश्य बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होगा। अधिकतर काम घर से ही निपटाने की कोशिश करें, अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए, ये आपके लिए उचित रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय किसी पारिवारिक सदस्य के गलत आचरण पर क्रोध करने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समझाने का प्रयास करें, ये आपके लिए उचित रहेगा। वहीं दोस्तों, घर के वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन की अवहेलना ना करें। आज किसी भी तरह की आवाजाही को स्थगित रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस समय यात्रा के दौरान आपको नुकसान होने की आशंका लग रही है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय अस्त व्यस्त दिनचर्या में कुछ ठहराव आने से आपको सुकून मिलेगा। किसी खास विषय पर जानकारी हासिल करने में आपको दिन व्यतीत करेंगे और इस समय आपके लिए कुछ नए मार्ग मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय कोई खास वस्तु की चोरी होने या फिर खोने की आशंका बनी हुई है, इसलिए अपनी वस्तुओं को स्वयं ही बहुत अधिक संभाल कर रखें। दूसरों के प्रभाव में आकर आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, बेहतर होगा आप अपना निर्णय खुद ही लें, यह आपके लिए उचित रहेगा। बेहतर होगा कि अपनी योजनाओं को ही प्राथमिकता दें, ये आपके लिए उचित रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, यह समय कार्य क्षेत्र में लाभदायक अनुबंध मिलने के योग बन रही हैं। अपने स्टाफ और सहयोगियों की सलाह पर भी जरूर ध्यान दें, जिससे आपको बेहतरीन मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अपनी कार्यप्रणाली की गोपनीयता बनाकर रखने से भी आपको काफी हद तक शांति और महसूस होगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके बिजनेस के लिए जो समय होंगे, यह समय अपना पूर्ण ध्यान अपने कार्यस्थल पर ही केंद्रित रखें। इससे बाहरी गतिविधियों के लिए ग्रह स्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आज मार्केटिंग संबंधी सभी कार्यों को स्थगित रखना ही आपके लिए उचित रहेगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का फायदा नहीं मिल रहा है, तो ऑफिशियल कार्य समय अनुसार पूरी करने में कोशिश करें। इससे आपको बॉस की जो है नाराजगी भरने से बच सकती है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके बिजनेस के लिए जो समय होंगे, यह समय उच्च व्यवसायियों और अनुबंध लोगों से संपर्क में रहें। इससे आपको कुछ नई जानकारियां मिलेगी जो कि कारोबार मामलों में सहायक रहेगी। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय सरकारी सेवारत व्यक्तियों को अपने किसी लक्ष्य को पूरा करने से प्रमोशन भी मिल सकता है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपको बताना चाहेंगे, इस समय बड़ा ऑर्डर आपको हाथ लग सकता है, लेकिन ऐसे में आपको जो है किसी भी प्रकार की योजना है तो उसे आप गुप्त रखने का प्रयास करें, यह आपके लिए उचित रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय पारिवारिक जीवन खुशनुमा बना रहेगा। किसी व्यक्ति के साथ मेल जोल रखते समय मर्यादित का ध्यान अवश्य रखें, ये अन्यथा बदनामी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें और अपने से बड़ों का खास ख्याल रखना अभी आपके लिए उचित रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, यह समय विवाह योग्य व्यक्तियों के लिए विवाह संबंधी कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। प्रेम संबंधों में ईगो जैसी स्थिति अभी आप बनने न दें, अन्यथा बने बनाए रिश्ते आपके बिगड़ सकती हैं। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, यह समय बदलते वातावरण का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, इसलिए बहुत अधिक सावधानी रखना आपके लिए अति आवश्यक है। जरूरत पड़ने पर आप उसे डॉक्टरी सलाह परामर्श लेते रहें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए उचित रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, यह समय तनाव और थकान का असर आपकी कार्यक्षमता पर पड़ सकता है और कुछ समय मनोरंजन और परिवार के साथ व्यतीत करने से कुछ आपको बेहतर महसूस होगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपको बताना चाहेंगे, यह समय योगा मेडिटेशन में आपको कुछ समय अवश्य लगाना है, यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा।
वहीं दोस्तों बात करें शुभ रंग और शुभ अंक की, तो आज आपका शुभ रंग है हरा कलर, भाग्यशाली अंक है 9। दोस्तों जानकारियों से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। धन्यवाद।